हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हिरेन बूट सीडी के माध्यम से हम अपने हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर को कैसे रिपेयर करेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको उस प्रोसेस पर ले चलता हूँ जिससे हम अपने हार्ड डिस्क के बैड सेक्टर को रिपेयर कर सकें। उसके लिए मैंने हिरेन बूट सीडी को इंटरनेट से, जो कि फ्री में डाउनलोडेड है, और उसको अपने यूएसबी में इंस्टॉल कर रखा है। आप मैं इस यूएसबी के माध्यम से अपने पीसी में वो रन कराऊंगा। इसके लिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद हम अपने पीसी को इस यूएसबी के द्वारा रन कराएंगे बायोस के थ्रू। जैसे मेरा बायोस F12 से ओपन होता है, जैसे ही बूट किया मैंने F12 दबाया, हर पीसी में अलग अलग बूटिंग फंक्शन की अलग अलग होता है। यहाँ हम यूएसबी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको यूएसबी से ही बूट कराना है। और यहाँ पे सेकंड वाला जो है हिरेन बूट सीडी, इसको मैंने एंटर मारा। अब यहाँ हमको ऑप्शन सेट करना है डॉस प्रोग्राम्स, इस पर एंटर करना है। यहाँ हमें हार्ड डिस्क सेलेक्ट टूल करना है, इसके बाद एंटर। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन HDA T2 4.9B1, इसमें लिखा हुआ है टेस्ट रिपेयर एंड बैड सेक्टर, एंटर, ताकि ये ऑटो फंक्शन काम करेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है M फॉर मेनू, हम M प्रेस करेंगे, हिट एंटर। यहाँ फिर हमको सेलेक्ट करना है हार्ड डिस्क टूल, हिट एंटर। और यहाँ पे HD82, फिर इस पर हमको हिट एंटर करना है। अब ये देखिए, ये सेकेंड वाला मेरा हार्ड डिस्क है, WD5000 जो साटा है, इस पर हम एंटर हिट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, डिवाइस टेस्ट मेनू में ये क्या करेगा, चेक एंड रिपेयर बैड सेक्टर, चेक बैड सेक्टर ओनली, इसमें जो ऑप्शन आएंगे आप इसको हिट करिए। अब हमको क्या करना है, चेक एंड रिपेयर बैड सेक्टर। अभी स्टार्ट हो चुका है, ये 100% तक रन करेगा। अगर इसमें बैड सेक्टर वो उसको मिलता है, बैड सेक्टर है, तो ये उसको सेल्फ रिपेयर करेगा, रिमैप करेगा।